नाइट होती है हमें तो डॉक्टर मैक्स स्टूडेंट के लिए कुछ एडवाइस? बस स्टडी हार्ड और कुछ नहीं, पढ़ाई करो। हेलो जी, वेलकम टू न्यू व्लॉग। इस व्लॉग के साथ नाइट ड्यूटी, आज हमारी नाइट ड्यूटी लगी है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। जैसे कि आपको पता है हमारी जो क्लिनिकल लगी थी वो जीएमसी 16 एंड 22 सेक्टर चंडीगढ़, वो दोनों हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। आज जो हमारी नाइट शिफ्ट लगी है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ पे? हमारे कैंपस का एक हॉस्पिटल है जिसकी कैपेसिटी 100 बेड्स, और वहीं पे आज हमारी नाइट शिफ्ट लगा दी गई। सो आज जो मेरी पोस्टिंग है वो है आईसीयू में। पहले हमें कॉलेज जाना है और उसके बाद हॉस्पिटल जाना है। वहाँ पे स्टूडेंट भी होंगे सारे, उनको अपना अपना शिफ्ट है और मुझे है आईसीयू में। सो लेट्स गो, दिखाते हैं आप लोगों को आईसीयू। तो नाइट हुई है अभी और टाइम हुआ है 7। पहुंच गए अपने कैंपस और ये हमारा कैंपस है। यहाँ पीछे की तरफ बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, बीएमएस ब्लॉक है। सो वहाँ पे आप देख सकते हो ये हॉस्पिटल है, पेरेंट हॉस्पिटल। सो चलते फिर। आप लोग ड्यूटी कहाँ पे है? इस जनरल वार्ड। कहीं पे भी हॉस्पिटल 2। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, यहीं पे ड्यूटी आ रही है? हाँ जी मैम। कौन सा ईयर? लास्ट ईयर। चलो फाइल्स वगैरह देख लो पेशेंट के बेड साइड। ओके मैम। आईसीयू एक ऐसा यूनिट होता है, हॉस्पिटल में जिसमें वेरी पुअर पेशेंट्स को लाया जाता है जिनको सडन मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत होती है। और यहाँ पे जो चीफ कंप्लेंट्स के पेशेंट्स आते हैं वो ब्रेथलेसनेस होती है, उनको कार्डिक प्रॉब्लम होती है या सेप्सिस की होती है। और यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट होते हैं उनको यहाँ पे 24 आवर्स के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उनको कंप्रेहेंसिव केयर मिलता है यहाँ पे पूरा। आईसीयू में हाई क्वालिटी केयर मिलता है पेशेंट को। यहाँ पे आज हमारे 7 पेशेंट हैं जिनको यहाँ पे आधे वेंटिलेटर पे हैं और आधे जिनकी नाइट होती है। हमें 2 दफ़ा इनको मेडिकेशन देनी होती है, एक तो बेड टाइम और मॉर्निंग में 8 बजे हम देते हैं इनको मेडिकेशन। और अभी हमने इनकी मेडिकेशन कर ली कंप्लीट। अभी का टाइम हुआ है, टाइम क्या हुआ अभी? 11:15। ये है क्रैश कार्ट ट्रॉली। ये हम तब यूज़ करते हैं जब कोई पेशेंट क्रैश होता है जिसको आईसीयू में बचने के चांसेस कम होते हैं। इसमें कुछ हाई रिस्क मेडिकेशंस ड्रग्स होते हैं जैसे कि कार्डिक सपोर्ट ड्रग्स लाइक एट्रोपीन, एपिनेफ्रीन, डोपामीन, सोडियम बाइकार्बोनेट, लिडोकेन, वैसोप्रेसिन। इसमें और भी लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि वेंटी सर्किट, डिफिब्रिलेटर, सक्शनिंग डिवाइस, बैक वॉल्यूम मास्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
क्रैश कार्ड के साइड में एक लिस्ट होता है जिसको हम क्रैश चेक लिस्ट बोलते हैं। इसमें उस पेशेंट के बारे में लिखना होता है जो पेशेंट आईसीयू में क्रैश होता है, लाइक पेशेंट नेम, डिपार्टमेंट, डेट, एमओ नेम, इंचार्ज नेम, रीजन एंड डायग्नोसिस। इसमें हमें रिकॉर्ड रखना होता है कौन सा पेशेंट किस डेट पे क्रैश हुआ है विद इंचार्ज नेम। जब तक हम पेशेंट्स का डायग्नोस देखते हैं तब तक स्टाफ पेशेंट्स का फाइल वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइल वर्क करते करते आके बज जाते हैं 1:32। हुआ टाइम और स्टिल वी आर वर्किंग एंड अभी जो है सारा स्टाफ ब्रेक करने गया है और हम जो भी पेशेंट वेंटिलेटर पे उनका ख्याल रखना होता है। सो मेरे साथ भी आ सके, अभी हम दो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आईसीयू में, पेशेंट सारे सो गए बट जिसको नीड है मेडिकेशन की, जिसको नीड है तो उनको हम प्रोवाइड करते हैं। सो चलो फिर अब हम बेड सेट जाएंगे और बेड सेट देखेंगे, तो मॉनिटर देखेंगे और वेंटिलेटर भी। यहाँ से पेशेंट है, वहाँ पे भी वो जो है वो भी वेंटिलेटर पे, यहाँ साइड ये वेंटिलेटर पे नहीं है और ये आप देख सकते हो सारा पूरा स्टाफ अभी वहाँ और हम अभी काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये वेंटिलेटर है और इसका जो इनलेट है वो वहाँ से सप्लाई आती है और नीचे एक बड़ा सा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन यूनिट होता है और उसकी मेन लाइन्स होती है हर किसी बेड के पास और इसका जो इनलेट है वो वहाँ से वेंटिलेटर को कनेक्ट है और यहाँ से फिर इनलेट आउटलेट जाता है सीधे पेशेंट को। ये अभी वेंटिलेटर पे पेशेंट है और उसको इनलेट आउटलेट लगा हुआ है। सो इस तरीके से पेशेंट को हम वेंटिलेशन देते हैं और आगे मॉनिटर लगा हुआ है, जितने भी वाइटल्स होते हैं वो वहाँ पे हमें वहाँ पे हम मेजर करते हैं पेशेंट की हार्ट रेट कितनी है, पेशेंट की बीपी कितना है, पेशेंट का पाल्स कितना है, सब कुछ वही पे। सो ये सो आईसीयू में सब देखने के बाद आखिर बज जाते हैं 4:40। दिस इज अर्ली मॉर्निंग मेडिकेशन टाइम। हमें पहले मेडिकेशन अरेंज करनी होती है ताकि हर किसी पेशेंट को डिजायर्ड मेडिसिन मिले अकॉर्डिंग टू दियर नीड। ट्राई में हमें वो मेडिकेशंस रखनी होती है जो अर्ली मॉर्निंग लगते हैं, जो एमपीटी स्टोमक देते हैं, जैसे कि पेंटोप्रोजोल। रेस्ट ऑफ जो हाइड्रग्स होते हैं वो हम आफ्टर मील ही दे देते हैं। अभी ये मैंने ट्राई तैयार की, अब हमें बेड सेट जाना है हर किसी पेशेंट को मेडिकेशन। मेडिकेशन के साथ साथ हमें फ्लूइड्स का ख्याल रखना होता है, किसी पेशेंट को अगर फ्लूइड की या ब्लड की जरूरत है तो हम उसको रिप्लेस कर लेते हैं। प्रायोरिटी हम उन पेशेंट्स को देते हैं जो वेंटिलेटर पे होते हैं और सेंट्रल लाइन पेशेंट्स, क्योंकि इनको ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत होती है। सेंट्रल लाइन पेशेंट्स को आर्ली मॉनिटर पे वाइटल चेक करने होते हैं। ये कुछ मेडिकेशंस हैं जो हमें एमपीटी स्टोमक पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी होती है इन अर्ली मॉर्निंग। ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन, इससे हम पेशेंट की हार्ट रेट चेक कर लेते हैं। जो भी पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है उसकी हम ईसीजी अर्ली मॉर्निंग में ही कर लेते हैं। सुबह के 6 एंड वी आर स्टिल वर्किंग। जिनको आईसीयू में ड्यूटी लगती है उनको 2 times मेडिकेशन देनी होती है, एक तो 10 बजे और अभी सुबह के 6 बजे। सो अभी हमने स्टाफ के साथ यहाँ पे जो मेडिकेशन की है तो वो मैं दिखाऊंगा आपको कि हमने कौन कौन सी मेडिकेशन की है। द कंडीशन इज लाइक दिस।
6 AM पे हमने मेडिकेशन किए, वो क्या क्या मेडिकेशन है, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, ये सिक्रीशन जो स्टोमक की सिक्रीशन है उसको कम करने में मिडाज है, ये हम जब इन्फ्यूजन में आते हैं वेंटिलेशन पेशेंट वाले को, वेंटिलेटर पेशेंट वाले को, तो उनको इन्फ्यूजन के लिए लगता है इट्रासलीन, ये एंटीबायोटिक है ये उनके लिए जो सिक्स आवर्स के अंदर उनको मेडिकेशन लेनी होती है, तो अभी इसको हमें डिस्कार्ड करना है, स्टाफ के साथ हमने काम कर लिया और रेस्ट जो मेडिकेशन है वो 10 बजे चली जाएगी, स्टाफ आएगा उनको करनी है। Yes, according to protocols. क्या क्या जाएगा कि उसमें और ग्लव्स और ये नहीं खुलता ऐसे ICU में सारी मेडिकेशंस करने के बाद इसको हम फिर प्रॉपर तरीके के साथ अपनी अपनी कैटेगरी में डिस्कार्ड करते हैं। फर्स्ट टाइम नाइट ड्यूटी करना इट वॉज बहुत ही हेक्टिक होता है, सो फाइनली आई डिड माई फर्स्ट नाइट ड्यूटी इन ICU और कल से शायद हमारी इवनिंग है, आज लास्ट था, तो चलो फिर चलते हैं। ये था पीछे कुछ हॉस्पिटल, ये हमारा कैंपस है, ये था हमारा हॉस्पिटल और ये था हमारा कॉलेज। अब हमें वापस जाना है, अब रूम पे जाना है, रूम पे अब सोना है, आंखों का हाल देख लो आप। सो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। They can never keep me down, I'm going, and if I ever fail, just know I'll go again. I never quit, cause I know that every loss may lead to another win. I'm going. कैसे जाएंगे, देखो आप बाइक का हाल क्या हुआ है शबनम से। तो ये थी हमारी 12 आवर्स नाइट ड्यूटी इन ICU। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।